Hey everyone, welcome वेलकम टू स्पलबी लेट्स टॉक अबाउट सम आउटफिट्स दैट आर टू रिवीलिंग एज पर सो कॉल फैशन क्रिटिक्स तो धाकड़ फिल्म ये आ रही है इसके प्रमोशंस के लिए कंगना रनाउत वोर एन आउटफिट विच डिड नॉट गिव अ फुल कवरेज ऑन द अपर हाफ पार्ट सो इट ग्रैपड लॉट ऑफ पीपल्स अटेंशन एंड कॉमेंट्स किस तरीके के लैंग्वेज से भरे पड़े होंगे आई डोंट हैव टू टेल यू अदर देन दैट ये वाले वीक में मेडगारा भी था और कई ब्यूटीफुल आउटफिट्स देखने मिले पर वहाँ भी हमारे फैशन क्रिटिक्स चले गए एंड कॉमेंट्स में लिखने लगे कि दिस ड्रेस इज इन यू आर शोइंग टू मच स्किन हाइड इट जस्ट हाइड इट लाइक बिली का आउटफिट आई वॉज सी एंड देन कॉमेंट्स मई आट तो वहाँ कई हिंदी में स्टेटमेंट्स लिखे गए थे अफकोर्स वहाँ के लोगों को ये सब पढ़ के कुछ समझ नहीं आया होगा बट वेन आई रेड इट आई फेल्ट इट वॉज ये सिर्फ हमारे यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है कि अपर पार्ट देख के लोग उछलने लगते हैं कई कंट्रीज है जहाँ पे लोग है विद वुमेन्स अपर हाफ एंड आई वॉज जस्ट कि ऐसा क्यों? वाई सो मच ऑफ ऑप्शन विद पार्ट ओनली जबकि वुमन वेयर स्लीवलेस क्लोथ पर नो वन टॉक्स अब नो वन टॉक्स अबाउट जबकि वो एरिया दूसरे एरियाज की तरफ एंड एंडी है पर you know, पहले, ये कुछ से भी पहले की बात होगी तब इंडिया के कई स्टेट्स की वुमेन अपर पार्ट को अपने कवर ही नहीं करती थी जैसे लड़के विदाउट शर्ट्स घूमते थे वैसे लेडीज भी घूमती थी एंड इट वॉज कंसिडर्ड वेरी नॉर्मल एंड तभी भी कपड़ों को लेके इनजस्टिस हुआ है कि अगर किसको कवर करना है अपना अपर बॉडी पोर्शन तो वो सिर्फ अपर क्लास की औरतें कर सकती है दूसरी लेडीज नहीं ये रूल बनाया गया था पर फिर ऐसी कुछ लेडीज थी जिन्हें यह हक चाहिए था कि इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल विद नॉट वेयरिंग विदाउट तो उन्हें अलाउ करना चाहिए इफ दे वांट टू वेयर सम क्लोज टू कवर दम बट उस पे भी उस समय बवाल मच गया वो लेडी जिसने ये डिमांड किया था उसके अगेंस्ट लोग गुस्सा हो गए कि ये हमारे कल्चर को बिगाड़ रही है शी शुड बी पनिश्ड एंड ऑल दैट बट आफ्टर फाइटिंग फॉर यस वुमन गॉट द राइट टू कवर देयर पार्ट इसी रीजन की वजह से पुराने स्कल्पचर्स अगर आप देखोगे तो उसमें लेडीज को ना टॉपलेस पोर्ट्री किया गया है क्योंकि जब ये सब काव किया गया था तब लेडीज ऐसे ही घूमती थी तो उस जमाने की लेडीज झगड़ रही थी टू वेयर क्लोथ्स एंड अभी 2022 में वी आर फाइटिंग वी डू नॉट वांट टू फुलर आर सेल्फ इफ वी वांट वी कैन वेयर रिवीलिंग क्लोथ्स इन शॉर्ट अभी की लेडीज ये बोल रही है कि पूरा कपड़ा पहनना है कि रिवीलिंग आउटफिट्स पहनने ये हमारा चॉइस है नो वन शुड टेल अ वोमेन वॉट वेयर तो यू कैन सी कहीं ना कहीं हर बार हमें हमारे चॉइस के लिए लड़ना पड़ा है एंड दूसरी तरफ आदमी शर्ट पहने या शर्ट ना पहने कोई उसके बारे में बात नहीं करता लाइक like, कितना इनजस्टिस हो रहा है वुमेन के साथ नहीं मैन के साथ कोई अटेंशन ही नहीं दिया जाता उनके ड्रेसिंग चॉइसेस को कैसे भी घूमो यू यूट गेट अटेंशन बेचारा रणवीर सिंह इज ट्राइंग सो हार्ड ही आउटफिट जिसमें उसका चेस्ट दिखता है पर नो वन अटेंशन टू हिम है उसकी बाजू में से कंगना निकल जाए तो सब उसके पीछे भागेंगे तो आई रियली फील गलत हो रहा है लड़कों के साथ अटेंशन देना है तो दोनों के अपर पार्ट को इक्वली दो एक को कम एक को ज्यादा दैट इज नॉट फेयर एनी वेज फॉर दोनिंग की हाई ये क्या बोल रही है इट वॉज अटिक स्टेटमेंट इन केस यू मिस अंडरस्टेंड

विच इज इंदर पैंस। फिर सेम सवाल मैंने फीमेल्स को दिमाग में रख के पूछा कि ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो सोसाइटी को कॉन्ट्रोवर्शियल लगते हैं तब आई रियलाइज कि फीमेल्स के केस में दो चीजें हैं। एक लोअर पार्ट जो उनके पैंट्स के अंदर है एक अपर पार्ट जो ब्लाउजेस के अंदर है ये दो चीजों के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आउटफिट इज टू रिवीलिंग और इज इट डिस तो ये समझने के बाद मेरे मन में सवाल आया कि बम को लेके इतना सोसाइटी बात क्यों नहीं करती इट इज ऑल्सो राउंड एंड फ्लफी बट वन गेट्स ऑफेंडेड इट सो ये सब समझने के बाद आई कंक्लूडेड कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही लोगों को ऑफेंड करते हैं अगर उस एरिया में क्लोथ रिवीलिंग हुए तो नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन टॉक्स एंड दो पार्ट आर मेल का लोअर पार्ट एंड फीमेल का अपर एंड लोअर पार्ट तो यहाँ तक हम पहुंच गए राइट right? इसके बाद अगला सवाल है कि ये तीनों में कॉमन चीज क्या है तो एक कॉमन चीज विच आई कुड फाइंड वज बच्चे पैदा करना अभी आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू द होल प्रोसेस ऑफ हाउ इट बट आई होप एवरी एजुकेशन इन प्लेस सो दोनों जेंडर का लोअर पार्ट पार कैसे यूजफुल होता है वी ऑल नो पर यू वुड नाउ क्वेश्चन कि फीमेल का अपर पार्ट पार का इससे क्या लिंक है द पोस्ट डिलीवरी दिस पार्ट इज एसेंशियल सिर्फ बच्चा पैदा हो गया तो प्रोसेस खत्म नहीं होता यू हैव टू फीड दैम एंड वो कैसे होता है हम सबको पता है एंड समवेयर क्योंकि ये प्रोसेस ये तीन चीजों से जुड़ी हुई है एंड ये पार्ट्स वाया वी गेट इंटीमेट एंड क्लोज इस वजह से लव अफेक्शन से फीड कर रहे तो पूरा सिनारी उल्टा होता मेल्स को ये सब ढकना पड़ता अभी अंडरस्टैंड ये मेरा पर्सनल एनालिस है कोई साइंटिफिक नहीं जिससे जस्ट दैट हम खुल के

नो no, नॉट गलत आप तब हो जाते हो कि वेन यू टेल अ वी वॉट टू डू या तब आप गलत हो वेन यू सी अ गर्ल्स फोटो एंड देन यू राइट नास्टी थिंग्स अबाउट हो जस्ट बिकॉज उसके क्लोथ्स आर समथिंग दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ या यू शेम अ गर्ल फॉर वेरिंग शॉर्ट क्लोथ तो ये सब गलत है अट्रैक्शन सबको एक दूसरे के फीचर से होता ही है बट रीडिंग अ वोमन लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर अर फीचर्स इज एक्सट्रीमलीशन ऑब्सेशन का डिफ्रेंस समझो अभी आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे की मैं ओपनली वो पार्ट को एड्रेस क्यों नहीं करती जिसके बारे में आएम टॉक आई एम आई शाय ट वर्ड्स तो नहीं वै एम टॉकिंग टू माई क्लोज वंस जिनके बारे में मुझे पता है की दे आर ओके विद सच कॉन्वर्सेश उनके सामने आई ओपनली यूज सच वर्ड अभी आई नो की आप में से कई लोग मेच्योर है एंड यू वोट है बट अजूमिंग दैट की कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए कॉन्सेप्ट नए है तो वो लोगों को कुछ अनकंफर्टेबल न लगे एंड बिना व्यर्ड फील करे वो ये सारी चीजों को समझ पाए ये इंटेंशन से आई डू नॉट यूज दर्ड्स डायरेक्टली एनी वेज कमिंग बैक टू कंगना डिड नॉट लाइक इट इसलिए नहीं की रिविलिंग था मच नथिंग ऑफ दैट इंस्टेट आई फेल्ट लाइक समथिंग वॉज ऑफ सी दिशा पटनी ऑल्सो वेयर हॉट एंड सेक्सी क्लोथ पर जिस तरह वो उसको स्टाइल करती है देन उसका हेयर एंड मेकअप मेक्स इट लुक सेक्सीड एलिगेंट एट द सेम टाइम आउट वॉट इट वॉज लाइक मैचिंग एंड अंडरस्टैंड मेकअप और हेयर स्टाइल इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको जज कर रहे हो जज करना तब होता है वेन यू से तुझे कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इट शोज टू मच स्किन बट टॉकिंग अबाउट फैशन इज ओके इट इज हैपनिंग फॉर योर्स नाउ इट इज जस्ट हैविंग अ डिस्कशन वट गोज विद वॉट

वो कुछ भी पहने शी गोज रियली इजी ऑन आइस बिकॉज उसे पता है एंड एंड नोइंग फैशन इज अ बिग थिंग आई एम योर स्टे फिगरिंग आउट वट आई लाइक द मोस्ट अभी के लिए देखा जाए तो आई एम इन्क्लाइन टुअर्ड्स बॉडी कॉल एंड फुल स्लीव क्लोथ सो या इट सो लेट मी नो विथ स्टाइल यू प्रिफर फॉर योर सेल्फ एंड वट इज योर ओपिनियन ऑन दिस काइंड ऑफ ऑब्सेशन एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो इज इस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू